अभी पीछे से ना शां करके मोटरसाइकिल निकला है और मैं इतना सा बचा हूं, इतना सा। आज हम अपने शहर से कानपुर शहर इसलिए आए हैं कि हमें पता चल सके कि 12 रबी अव्वल की रात को कानपुर कैसे सजाया जाता है। तो हम नवाकोट चौक पे उतरे हैं और दाएं जानब गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज वुमेन इस तरफ आ चुके हैं। तो ये रास्ता हमने इख्तियार किया है, इस तरफ से ऐसे घूमते जाएंगे, फिर दीनपुर चौक से होते हुए फिर वापस नवाकोट चौक आ जाएंगे। तो देखते हैं कि कानपुर कैसा सजाया गया है, तो हमारे साथ रहिएगा। हमारा एक दोस्त था जिसने हमें कहा था कि भाई नहर किनारे जाना, ठीक है, उधर बहुत सजाया जाता है। और उसने ऐसे समझ ले गलत बयानी की है, इधर कोई नहीं सजाया था, आपने देखा इतना कुछ खास नहीं था। तो अब हम तकरीबन दीनपुर चौक की तरफ ही खड़े हैं शायद, तो अब हम सीधा जाएंगे दीनपुर चौक की तरफ। ये एक नहर है, इस नहर को अब्बासिया नहर कहते हैं शायद, मुझे कन्फर्म नहीं है। तो अभी हम जा रहे हैं भाई दीनपुर चौक की तरफ। अभी पीछे से ना शां करके मोटरसाइकिल निकला है और मैं इतना सा बचा हूँ, इतना सा, तो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एहतियात करें, सड़क पे वीडियो ना बनाएं, ठीक है, गलती है मेरी, मेरी गलती है। तो किसी बताने वाले ने हमें बताया कि जो सजावट है ना वो दीनपुर चौक से आगे की हुई है। तो अब हम जा रहे हैं सामने दीनपुर चौक की तरफ और वहाँ से वीडियो शूट करेंगे।
जब हम दीनपुर चौक पहुंचे तो वहां भी इतनी सजावट नहीं थी, तो किसी भाई ने हमें बताया कैसे करें हशमत चौक चले जाएं। तो अब हम हशमत चौक जा रहे हैं, सामने थक गए हैं ना, पैदल चल रहे हैं।
से आ चुके हैं, किसी बताने वाले ने हमें बताया है कि ऐसे करें, सरकारी हॉस्पिटल है ना, हॉस्पिटल उसके सामने सजावट की हुई है, तो उधर चले जाए, हम आपको ना करीब से दिखा दें। मैंने किसी भाई से पूछा, मैं क्या भाई कोई और जगह बता दें जहाँ मैं वीडियो बना लूँ, तो कहता भाई इधर, फिर इधर, फिर इधर, उसने काफ़ी जगह बताई, लेकिन मैं सब जगहों से फिर आया हूँ, तो वो कह रहा भाई अब आप घर चले जाओ, तो मैंने फैसला कर लिया मैं घर जा रहा हूँ, तो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।